टैंपा कोला सोसाइटी पर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त के लिए राहत दे दी है। कोर्ट ने बीएमसी से 31 मई 2014 तक तोड़फोड़ की कार्रवाई न करने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा के इस्तीफे की मांग की। गौर हो कि सिन्हा ने रेप का आनंद लेना चाहिए जैसा विवादास्पद बयान दिया था। कांग्रेस की मुंबई इकाई ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि उन लोगों से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वापस ले लेना चाहिए जो सांप्रदायिक ताकतों की तारीफ करते हैं। हालांकि इसमें लता मंगेशकर का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर जाहिर होता है कि उन्होंने ये बात लता दी को लक्ष्य कर कही। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और सीबीआई से उस अपील पर जवाब मांगा जिसमें सरकार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के निष्कर्ष पर कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक आयोग के दो शीर्ष सदस्यों ने प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर निशाना जाहिर करते हुए कहा कि वह हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देने में भारत की विफलता के प्रतीक है। दिल्ली मेट्रो आज से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के व्यावसायिक दिनों और 19 नवंबर से सामान्य दिनों के लिए एंट्री टिकटों की बिक्री शुरू करेगी। पाकिस्तान के सिंध उच्च न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के देश से बाहर जाने पर लगी रोक के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है। शेयर बाजार में गिरावट के रुख के बीच आयातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने के कारण अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 63.88 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। शानदार क्रिकेट करियर का आखिरी मैच खेलने जा रहे सचिन तेंदुलकर ने अपनी आधिकारिक ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और अपने 200वें टेस्ट में प्रशंसकों के लिए यादगार प्रदर्शन करने के लिए मैदान पर जमकर पसीना बहाया। दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला बंसाली को उनकी आगामी फिल्म रामलीला रिलीज करने से रोक दिया है। अदालत ने एक याचिका पर विचार किया कि यह फिल्म सेक्स, हिंसा और अश्लीलता के कारण हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से ठेस पहुंचाती है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।